जमाना, हर शख्सियत का जमाना होता है इस दुनिया में, मगर कई चीजें कई जगह ऐसी भी होती हैं जिनका कोई जमाना नहीं होता। वो जिंदा रहती हैं, चर्चित रहती हैं सदियों तक। उनकी मौजूदगी हमारे दिलों के भीतर बरकरार रहती है। इतिहास में पौराणिक शहर नगर अमर हुए थे, साथ ही उन्हीं नगरों की रचनाएं अमर हुई थी, जिसमें एक बेशकीमती रचना है दिल्ली के शाहजहांआबाद की मशहूर जामा मस्जिद। जय जिनेंद्र आप सभी को। दोस्तों मैं हूं आपके साथ मिहिर जान और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। आज हम लोग हैं हिंदुस्तान के धड़कते दिल दिल्ली के अंदर और आज हम दिल्ली की धड़कनों के भीतर आ चुके हैं। आज हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के सबसे प्राचीन शहर शाहजहांआबाद के अंदर, जहां आज हम तशरीफ लाए हैं दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद जामा मस्जिद। दोस्तों जामा मस्जिद हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदू सिख जैन बौद्ध तथा ऐसे बहुत से धर्मों के लिए, साथ ही फॉरेनर्स के लिए भी, विलायती लोगों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। इसका कारण सिर्फ यही नहीं कि खुदा का दरबार है, इसका कारण ये भी है कि यहाँ की नक्काशी, यहाँ की कारीगरी सैकड़ों सालों से आज भी काबिले तारीफ है। अब हम इस मस्जिद के अंदर, इस पौराणिक मस्जिद के अंदर कुछ यहाँ का नज़ारा देखेंगे और देखेंगे कि किस किस्म की कारीगरी उस जमाने में इस मस्जिद के अंदर की गई। तो चलते हैं, आज हम जानेंगे कि वे कौन सी बातें हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में जामा मस्जिद को हमेशा के खातिर अमर कर दिया। दोस्तों जामा मस्जिद की चमक दमक साल के 365 दिन एक जैसे ही रहती है। यहाँ हर समय, यहाँ पे नजदीक ही हमारे मीना बाजार है, यहाँ का बाजार हर समय हरा भरा रहता है, हर समय यहाँ के लोगों की चहल पहल रहती है। मस्जिद के अंदर और भी ज्यादा चार चांद तब लग जाता है जब यहाँ रमजान का महीना होता है, और आज इस रमजान के पाक महीने के अंदर अब हम लोग देखेंगे जामा मस्जिद की वे कौन सी बातें जो जामा मस्जिद को इतना लोकप्रिय बनाती है, जो जामा मस्जिद की मान्यताओं को चार चांद लगाती है। जामा मस्जिद की कुछ नक्काशियाँ कि क्या नक्काशी उस जमाने में 1650 के समय, जिस समय शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, तो किस किस्म की कारीगरी इस जामा मस्जिद के अंदर की। दोस्तों इस कुंड का पानी इस्लाम के अंदर बहुत पवित्र माना गया है। ये पानी वजू करने के काम आता है। वजू मतलब नमाज पढ़ने से पहले खुद को पाक साफ करना। सभी मुसलमान भाई एक ही कुंड से अपने हाथ और मुंह को पाक साफ करके नमाज अदा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस कुंड के अंदर किसी भी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है, सभी मुसलमान, तो जितने भी लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आते हैं वो सभी इसी कुंड से अपना वजू करके नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दिल्ली के अंदर जिस समय शाहजहां की हुकूमत थी, मुगल अंपायर की हुकूमत थी, लाल किले के बनने के पश्चात शाहजहां ने एक मशवरा अपने सेक्रेटरीज को दिया, अपने लश्कर में दिया कि लाल किले के समक्ष ही एक भव्य मस्जिद होनी चाहिए जो पूरी दुनिया के खातिर एक आकर्षण का केंद्र बने, दुनिया के सभी मुसलमानों के खातिर, खास करके हिंदुस्तान के अंदर जो व्यापारी आया करते थे उनके खातिर एक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए। लाल किले के कुछ दूरी पर ही एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसी पहाड़ी को मस्जिद बनाने के लिए तय किया गया। कुछ समय तक मस्जिद के सलाह मशवरा दरबार के अंदर चलते रहे और 1650 के समय मस्जिद का काम शुरू हुआ। जामा मस्जिद को बनाने में तकरीबन 6 साल खर्च हुए। 6000 मजदूरों ने जामा मस्जिद बनाने में अपने शफकत करी थी। जामा मस्जिद के बनने के बाद जामा मस्जिद की कारीगरी पर भी बहुत ध्यान दिया गया। यहाँ पे लाल पत्थर, साथ ही सफेद रंगमरमर के पत्थर इस्तेमाल गए। उस जमाने में 1650 और 1656 के जमाने में जामा मस्जिद को बनाने में करीबन 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी चिंता का विषय ये नहीं था कि जामा मस्जिद किस किस्म की मस्जिद बनेगी या किस किस्म का दर्जा हिंदुस्तान के इतिहास में से दिया जाएगा। जामा मस्जिद बनने के बाद जामा मस्जिद के पहले इमाम कौन होंगे, इस बात को लेकर भी मुगल एम्पायर के अंदर, मुगल साम्राज्य के अंदर कई किस्म के विवाद छेड़े गए। तो उसके बाद बुखारा के सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को जामा मस्जिद के पहले इमाम घोषित किए गए। सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने जामा मस्जिद के अंदर मुगल साम्राज्य के बहुत बड़े लश्कर के साथ पहली मर्तबा यहाँ नमाज पढ़ी, और आज भी यहीं सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी के ही वंशजों ने इस इमामियत को बरकरार रखा। दोस्तों जिस समय जामा मस्जिद बनाई गई उसके कुछ समय बाद पाकिस्तान के लाहौर में भी एक बादशाही मस्जिद का निर्माण किया गया औरंगजेब के द्वारा। और बादशाही मस्जिद और जामा मस्जिद की तस्वीरें अगर हम इंटरनेट से देखें या फिर कुछ किताबों से देखें
तो दोनों ही मस्जिद के अंदर काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस है, दोनों ही मस्जिदों के शक्लो सूरत काफी ज्यादा एक जैसे हैं। जामा मस्जिद के अंदर दाखिल होने के खातिर तीन मुख्य दरवाजे हैं जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बादे अब्दुल्ला और बादे शाहजहां। दोस्तों आप देखते हैं जामा मस्जिद बनने का मुख्य कारण क्या था। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली के अंदर इसीलिए कराया था ताकि वो अपने किले के सामने एक ऐसी मस्जिद का निर्माण कर सके जहां उसका और उसके लश्कर का रोज का सजदा करना पॉसिबल रहे। कहने को जामा मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद का नाम है, मगर सच कहे तो यहाँ आना एक अलग ही किस्म का सुकून इंसानी रूह को मिलता है, एक अलग ही किस्म का दृश्य, एक अलग ही किस्म का मंजर हमें यहाँ देखने को मिलता है। मस्जिद के गुंबद से लेकर मस्जिद के अंदर एक एक छोटी से छोटी कारीगरी भी इंसानी मन को मोह लेती है। दोस्तों इस समय हम जिस कक्ष में खड़े हैं ये वही कक्ष है जहाँ पे हमारे सभी नमाजी जामा मस्जिद के अंदर एक वक्त पे नमाज अदा करते हैं। इस समय नमाज का वक्त नहीं, इसलिए हमारे सभी नमाजी इस समय कुछ जो टूरिस्ट हैं जो दिल्ली के बाहर से यहाँ तशरीफ लाए हैं, कुछ लोग यहाँ एहतियात से आराम फरमाते हैं तो कुछ लोग यहाँ इस समय भी नमाज अदा करने का काम करते हैं। सच कहें तो जामा मस्जिद जैसे खूबसूरत तीर्थ स्थलों की सबसे अच्छी बात तो यही है कि हर साल हजारों लाखों करोड़ों तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं जो अलग अलग धर्मों के होते हैं और निष्पक्ष बिना किसी मनमुटाव के वो यहाँ आकर सजदा करते हैं, इबादत करते हैं। और रमजान के इस पाक महीने में जामा मस्जिद आना हमें भी बहुत अच्छा लगा। साथ ही हमारी भी आप सभी से यही दरख्वास्त है कि एक दफा आप भी जामा मस्जिद जरूर आए और रमजान के इस पाक महीने में जामा मस्जिद का मंजर वाकई बहुत खूबसूरत होता है। और मेरी ओर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम है मीर और आपने सुनी मेरी आवाज में जामा मस्जिद की एक कथा।